अरे बच्चों, खाना तुम्हें स्वादिष्ट लगा या नहीं? अगर खाना तुम्हें स्वादिष्ट नहीं लगा तो तुम मेरे को कह देना, मैं जो है शादी वाले मालिक को कहकर यह खाना दूसरा बनवा दूंगा। क्योंकि शादी वाला हमें मेहमानों के रूप में बुलवा है तो खाना तो अच्छा होना चाहिए ना, स्वादिष्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? या फिर ऐसा ही कुछ भी दे दो, ठंडा बासी खा लेगी तुम, है ना? कुछ नहीं बोल रहे तुम्हें तो, केवल खाना चाहिए अच्छा, चाहे 4-5 दिनों का क्यों ना हो, खा लेगी तुम तो, है ना? अरे हाँ मोदी जी, मैं तो आपको बताने भूल गया हूँ, और देखिए मैंने तो खाना एक भी नहीं खाया है। मैंने पहली बार खाना चखा था, वो भी गुलाब जामुन चखा था, उसमें भी नमक अधिक था। गुलाब जामुन में बहुत अधिक नमक डाल दिया इन सालों ने, शादी वालों ने तो बहुत ही नमक डाल दिया। खाना बनाना आता नहीं ने, और गुलाब जामुन में कभी नमक डाला जाता है क्या? शक्कर की जगह गुलाब जामुन में नमक डाल दिया मोदी जी, आप चख के देख लो, आपको पता चल जाएगा, या फिर अखिलेश जी से पूछ लो। अरे हाँ मोदी जी, आप मेरा भी खाना चख के देख लो। देखो मैंने भी एक दो कुआई खाया था, एक दो जो है नवाला खाया था, और मेरे तो जो है शीरे में शक्कर नहीं है। योगी जी के गुलाब जामुन में भी चख के देखा, उसमें भी नमक ज़्यादा है, इसलिए देखो मेरे भी, मैंने अपने गुलाब जामुन नहीं खाए है, मैंने भी अपना खीरा खाया है तो उसमें भी शक्कर नहीं है। इन शादी वालों ने तो हमें जो है कुत्ते के समान रखा है। जिस प्रकार से कुत्ते को खाना दिया जाता है, उस प्रकार से कुत्ते के समान खाना दिया जा रहा है मोदी जी हमको। ये तो हमारी बदजी है सरासर मोदी जी। आप बड़े होकर, आपको निमंत्रण लेकर, आप समझदार होकर आप इस तरह शादी में आए हो? नहीं मोदी जी, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए अब। फिर तो तुम दोनों सच कह रहे हो, अगर दोनों तो झूठ नहीं बोलते। इतने लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया है, इससे पहले कि ये सारे मेहमान खाना खाए, हम इस शादी वाले सर को कह देते हैं कि खाना अच्छा नहीं बना है, जल्दी से दूसरा खाना बनवाए, और हमारे योगी जी को और अखिलेश जी को भी अच्छा सा खाना दिया जाए, वरना तो हम शादी में हंगामा मचा देंगे। शादी वाले तुम सुन लो हमारी बात, हम तीनों बहुत ख़राब है, हम तीनों अच्छे अच्छे को ठीक किया है, हमारा आगे, हमारे पीछे, हमारे दुश्मन कोई भी नहीं रहते हैं, केवल हम अपना ध्यान रखते हैं।